हर देश भर विच धूमधाम नाल मनाया जांदा है। पर दस दईए कि इस बार पंजाब दे जिला लुधियाना विखे दुसहरा वेखण योग होवेगा, क्योंकि इत्थे पंजाब विच सब तो वड्डे 120 फुट रावण दे पुतले नूं साड़न दीआं तैयारियां चल रहीआं ने। यह रावण का पुतला सिर्फ बांस या पराली का नहीं सगों टेक्निकल रावण होगा, जिसनों एक बटन के दबाने पर ही आग लग जाएगी। लुधियाना में 120 फुट का सबसे बड़ा रावण पंजाब के अंदर दरेसी ग्राउंड मैदान में, और पंजाब पूरे पंजाब में इससे बड़ा रावण नहीं मिलेगा। क्या क्या विशेषताएं होगी इस बार? इसकी विशेषता बहुत है, इसमें जैकेट बनाई गई है अलग से, और इसमें गोल चक्र बनेगा, वो भी इसकी बहुत विशेषता है। और ये पूरा सिस्टम इसका रावण का लैपटॉप द्वारा किया गया है, सारा लैपटॉप द्वारा किया गया है। कैसा डिजाइन देना है, किसको कहाँ सेट करना है, किस चीज़ किस पेपर को कहाँ लगाना है, और सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि इसमें विदेशी धरती UEC से पेपर मंगवाया गया है रावण की बॉडी को डेकोरेशन करने के लिए। तो वो कब आएगा? वो 3 दिन पहले आएगा, ऑनलाइन कर दिया है, वो 3 दिन पहले आएगा, तभी इस पर लगेगा। पूरा पेपर है, पूरा पेपर बॉडी द्वारा सारा सिस्टम, अलग अलग रंग के, अलग अलग डिजाइन के, क्योंकि वो ना तो बारिश में खराब होगा ना वो धूप में खराब होगा। दस दईए कि इस रावण नूं तैयार करन दा जिम्मा एक मुस्लिम परिवार उत्ते है, जो कि पिछलियां 3 पीढ़ियां तो यही काम कर रहे ने। इसकी तैयारी 40 दिन पहले हो जाती है। लुधियाना में भी हम काफ़ी जगह बना रहे हैं, और आधी टीम हमारी पानीपत में लगी हुई है, 40 बंदों की टीम है। हमारे जीजा जी पानीपत में काम करा रहे हैं, और हमारे भांजा सोहेल वो लुधियाना में कराते हैं। तो पूरे उत्तर भारत में आपके सप्लाई होते हैं रावण के पुतले? उत्तर भारत में तो नहीं, काफ़ी जगह होते हैं, ये मान लो पूरा UP में बनाते हैं, बरेली में भी बनाएंगे यहाँ से जाके। आप ही हमारे परिवार? कितने मेंबर आपके परिवार में, कितने बनाते हैं? हमारी तो ये 3री पीढ़ी चल रही है, 1 पीढ़ी हमारी गुजरात में बना रही है। इनके दादाजी पिताजी तो पहले गुजरात में बनाते, नरेंद्र मोदी जी आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके साथ सम्मानित किया हुआ है। अच्छा, वो ही बनाते? वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे पहले, तब उनके टाइम पे उन्होंने आग लगाई थी वहाँ पे, तो वो भी पुतला ही बनाते, वो ही पुतला ही बनाते थे। ये इंजीनियर हैं फिर भी पुतला बनाते हैं ये शौक के लिए। पूरा परिवार यही काम करता? पूरा परिवार यही काम करता है। मुस्लिम परिवार है पर ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है, पर आपका बड़ा योगदान है। सारे परिवार के ये पढ़े लिखे परिवार हैं, सब नौकरी वाले, लेकिन फिर भी 1 महीने के लिए छुट्टी लेकर इसको बनाते हैं। क्या कारण क्या है, कोई आस्था है? कारण विशेषता है, प्रेरणा मिलती है, खुशी मिलती है, और प्यार मिलता है, सबसे बढ़िया मान सम्मान मिलता है, एकता वाली जुट होती है कि एक मुस्लिम परिवार हिंदू परिवार का काम कर रहा है, कितनी खुशी उल्लास से है। रावण नूं तैयार करन विच लखां दा खर्च आया है, इसलिए खास वाटरप्रूफ कागज विदेश तो मंगवाया गया है। इस विच लगे पटाखे भी कुछ खास तरीके नाल फुटणगे। इस पे करीबन 2.5-3 लाख का खर्चा आएगा। पटाखे तो कमेटी वाले डालते हैं, लेकिन हमारे जो पटाखे होंगे वो अलग ही विशेषता के होंगे। वो रावण की जैकेट पे इधर लगेंगे, आंखों में मुंह में से आग निकलेगी, कानों में से छतरी घूमेगी, और वो सब गोल चक्र जो है वो भी घूमेगा। ऑटोमेटिक सारा सिस्टम रिमोट द्वारा हुआ, रिमोट के द्वारा चलेगा, रिमोट के द्वारा ही सारे सिस्टम चलेगा। कितनी देर में चल जाएगा? जैसे इस बार बहुत बड़ा, बहुत विशाल रावण बन रहा है, तकरीबन 5 से 10 मिनट में चल जाएगा। बड़ा कितने हो, जो बनाने की हमारी खूबी है वो अलग टाइप की है, औरों की तरह नहीं है। औरों का क्या, कपड़ा जल जाता है, ढांचा खड़ा रह जाता है, हमारा पूरा रावण जलेगा, पूरा ही गिरेगा। तो कितने, कब से तैयार कर रहे हो, कब से चल रहा है ये? करीब 23 दिन हो गए यहाँ पे। 23 दिन हो गए आपके, तो पूरा फुल फाइनल कब तैयार हो जाएगा? पूरा फाइनल तो ये 22 तारीख को हो जाएगा कम्प्लीट। दो दिन पहले कुंभकर्ण मेघनाथ पहले हो जाएंगे, को पहले जल जाते हैं वो जैसे जैसे तैयार होते जाएंगे जलते जाएंगे। लंका भी बनेगी, खरदूषण भी बनेगा, एक चेहरा भी बनेगा, जैसे रामलीला शुरू होती है उसी हिसाब से आइटम बनता रहता है। पूरा सिस्टम लैपटॉप द्वारा है, देखने में कैसा होगा? बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत होगा, अलग ही प्रकार का मिलेगा, हर साल से अलग मिलेगा रावण। सो पूरे पंजाब दे नाल नाल लुधियाना वासियां नूं इस बार दुसहरे दी खास उड़ीक रहेगी। बस जिथे यह रावण दा पुतला वेखण योग होवेगा, उथे ही इस नूं तैयार करन वाला मुस्लिम परिवार भी आपसी भाईचारे दा संदेश दे रहा है। लुधियाना तो वरिंदर थिंदी दी रिपोर्ट, ETV भारत।